महाराष्ट्र का सूरत हाल आपने देख लिया, आपने सूरत हाल बिहार का भी देखा, उत्तर प्रदेश का भी देखा और दिल्ली का तो देख ही रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पे? और सबसे बड़ी चीज कि क्या यहाँ पर आपको बीजेपी फंसी हुई दिखाई देती है? देखिए राजू जी, बीजेपी तो अपने 4 जून के नतीजों के बाद से ही फंसी हुई, और जिस तरह से 2 बैसाखियों पर नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं वो उनके लिए बड़े मुश्किल में डालने वाला है, क्योंकि वो गठबंधन की सरकार चलाने के आदि नहीं रहे। इधर लखनऊ और दिल्ली के बीच तकरार चल रही है, उसमें जितनी खींचतान हो रही है, उत्तर प्रदेश में कल एक इस्तीफा हुआ एक राज्यमंत्री का, बीजेपी के कई नेता मंत्री विधायक सीधे सरकार पर हमलावर है, और उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है उसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए लगातार कश्मकश जारी है। और ये जो कश्मकश है वो असल में अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ के बीच का द्वंद्व है। ये वो आवाजें हैं जो 10 साल तक खामोश नहीं, शंकराचार्य भी बोल रहे, और उन्होंने जितना जोरदार हमला किया कि अगर राजनीतिक लोग धर्म के मामले में हस्तक्षेप बंद कर दें तो फिर हम भी नहीं बोलेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी लगातार धर्म के मामले में हस्तक्षेप ही नहीं करते हैं। वो राम मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे, केदारनाथ भी जाएंगे, और केदारनाथ में वो सोना पीतल हो जाएगा। ये जो करिश्मा चल रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके कल राज्य मंत्री ने इस्तीफा दिया था उत्तर प्रदेश में, यूपीएससी में जो घोटाला हुआ है कि वहां सर्टिफिकेट, खास करके जो विकलांगों के सर्टिफिकेट बन रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बन रहे हैं, उसमें जो खेल चल रहा है वो अब बेपर्दा होने लगा है। यही वजह है कि यूपीएससी के चेयरमैन रिजाइन करके, और नहीं तो ये बहुत बड़ा घोटाला है, कितने पेपर लीक हुए हैं इस बीच में जब से ये सरकार बनी है। मुझे लगता 7 या 8 तो आतंकवादी हमले हो चुके हैं, जिस पर चर्चा ना हो इसलिए मीडिया मैनेजमेंट पूरा किया जा रहा है। महाराष्ट्र में भले ही अंबानी साहब ने एक बड़ा भोज दिया हो सबको, लेकिन सच्चाई ये है कि अजीत पवार लगभग शून्य की स्थिति में है, और शिंदे साहब का क्या होगा ये भी सब जानते हैं। बीजेपी का काम ही यही है कि पहले छोटे छोटे दलों को अपने साथ करिए और उनको खत्म कर दीजिए। ये जम्मू कश्मीर से लेकर के आप बिहार होते हुए चले आइए महाराष्ट्र तक, आपको हर जगह यही दिखाई पड़ेगा। उड़ीसा में क्या किया गया वो भी सबने देखा। तो ये तो नरेंद्र मोदी की अपनी स्टाइल है। तो महाराष्ट्र में जो वो चाहते थे, जो वो सोचते हैं आज भी, कि किसी तरीके से वहां बीजेपी की सरकार बने, क्योंकि आर्थिक राजधानी है और वहां से बहुत सारा फाइनेंस भी पार्टी को, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के साथ इन्होंने अन्याय किया कि तमाम कंपनियां उठा करके गुजरात ले गए, तो महाराष्ट्र के लोग नाराज हैं। सरकार जिस तरह से चुनी हुई इन्होंने तोड़ी, उसको लेकर के भी वहां पे रोष है, और उसका परिणाम आपको दिखाई दिया लोकसभा चुनाव में। आने वाले समय में महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी की हालत पहले से ही खस्ता दिखाई पड़ रही। तो अजीत पवार के बहुत सारे नेता वैसे भी शरद पवार के साथ आ रहे हैं, आने वाले हैं, तो वो कितना बचेंगे अभी नहीं कहा जा सकता है। तो बीजेपी वहां कहीं ऐसा ना हो कि अकेले रह जाए, शिंदे का कोई खास मतलब होगा नहीं, तो महाराष्ट्र वो गंवाने जा रही है, ये उसको सामने दिख रहा है। हरियाणा की जो परिस्थितियां हैं उसमें भी बीजेपी इस समय बैकफुट पर है, कांग्रेस वहां बेहद मजबूत दिखाई पड़ रही है, भले ही वहां चौटाला साहब और बीएसपी एक साथ गई हो, फिर भी वहां एंटी इनकम्बेंसी इतनी है बीजेपी के खिलाफ कि कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा परिस्थितियां अनुकूल है। तो वहां से लेकर के और इस समय पूरे देश में अब बजट जो सत्र शुरू होने जा रहा है, चंद्रबाबू नायडू की अपनी जो ख्वाहिशें हैं, अमरावती उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, और भी ढेर सारे उनको बजट चाहिए,
उसकी वो पूर्ति कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो दबाव इस समय चौतरफा है। और यही वजह है कि अब मोहन भागवत ने भी वो बात कह दी है जो लगातार खामोशी बनी रही। वो मोदी जी जब ये कहते हैं कि साहब हम तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, ऐसा महसूस होता है। और ये वही नरेंद्र मोदी हैं, जब तक मां जीवित रही तो 8-8 कैमरे लेकर के जाते थे। एक बार कैमरामैन नहीं आए तो गाड़ी में ही बैठे रहे, तब उनको ये नहीं था कि मां घर में अंदर है तो चले जाए, तब तक उसके दर्शन करें, उससे आशीर्वाद लें। मोदी जी आशीर्वाद भी तभी लेते थे जब कैमरे आ जाते थे। तो जब तक मां जीवित है तब तक वो नॉन बायोलॉजिकल नहीं हुए, उसके बाद वो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहने लगे। जो ये राजनीति है, और जिस तरह का आप पता नहीं मोदी जी को ये भ्रम है या मोदी जी इसके जरिए अपनी जो छवि है उसको फिर से थोड़ा मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि वो तो धूमिल हो चुकी है, तो अब कुछ नहीं है कि अपने आप को भगवान ही कहिए। मुझे लगता है कि राजनीति से बाहर बहुत सारे जो समाज में बाबा घूम रहे हैं, और जिस तरह से वो अपना प्रवचन करके अपनी दुकानें चला रहे हैं, मोदी जी भी करीब करीब उसी तरह से, कि वो सब कहते स्वघोषित वो भी भगवान है, राजनीति में स्वघोषित भगवान मोदी जी हो गए, ताकि लोग अंधश्रद्धा रखें, अंधभक्ति रखें। लेकिन लोकतंत्र में ये संभव नहीं है। आप कुछ समय तक तो लोगों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं जब आपको झूठ ही बोलना है, जब आपको लोगों के साथ छल ही करना है, लेकिन एक वक्त के बाद ये चीजें ठीक नहीं रहती हैं, कि लोगों के जब पेट पर लात पड़ती है। बेरोजगारी कहां है इस समय, महंगाई का आलम क्या है, 120 रुपए किलो टमाटर है इस समय, कोई ऐसी सब्जी नहीं है जिसके दाम 2-4 गुने ना हो गए हो, लोग खाएं तो खाएं क्या। तो जो स्थितियां हैं इस समय, महंगाई बेरोजगारी से लेकर के, और दो तीन दृश्य आए हैं, एक गुजरात का आया, एक महाराष्ट्र का आया, कि जहां 1000-2000 की वैकेंसी निकलती है वहां लाखों की संख्या में नौजवान पहुंच रहे हैं, धक्का मुक्की चल रही है। कुछ जगहों पर जो नौजवान है वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, लेकिन मोदी जी को कोई फिक्र नहीं है इस बात की। लेकिन समस्या ही ये है अब मोदी जी के सामने, कि जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें मोदी जी ने देखा, उसमें जिस तरह की बैटिंग राहुल गांधी ने की, वो इस बात को साबित करे कि आने वाले दिनों में भी राहुल गांधी उतने ही आक्रामक और तार्किक ढंग से सरकार को घेरेंगे, उसमें कहीं कोई मेहरबानी नहीं होने जा रही है, कहीं कोई रियायत नहीं होने जा रही है, ये बिल्कुल तय है। इस बीच में जो घटनाएं हुई हैं, चाहे आतंकवाद की घटनाएं हुई हों, भ्रष्टाचार की हुई हों, पुलों के गिरने की हुई हों, या बीजेपी के अपने जो अंदरूनी चीजें हैं उसकी वजह से भी जो सत्र है उसमें ये तमाम मुद्दे सामने आने हैं, तो उसकी तैयारी भी निश्चित रूप से राहुल गांधी कर रहे होंगे, और देश को उम्मीद है उनसे कि इन तमाम सवालों पर वो सरकार को घेरेंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस में है इंडिया एयरलाइंस पूरे तरीके से, और एकजुट भी दिखाई पड़ रही, और वो जो एकजुटता और आत्मविश्वास है वो निश्चित रूप से आपको जीत की तरफ ले जाता है। लेकिन चुनौती, जैसे अब उत्तर प्रदेश में तो सरेआम कहा जा रहा है कि साहब प्रशासन ने मदद नहीं की, तो क्या प्रशासन चुनाव लड़वाता है या पार्टी चुनाव लड़ती है? संभावनाएं वो और ज्यादा बढ़ गई हैं कि एक तरफ तो सांप्रदायिक कार्ड खेला जाएगा, जिसे आप मुजफ्फरनगर से देख रहे हैं, वो उत्तराखंड भी पहुंच गया, हो सकता है कि आने वाले समय में और भी राज्यों में इस तरह की तस्वीरें आपको दिखाई दें। बंगाल में जो बोला गया वो भी हम लोग देख रहे हैं, एक नहीं मुझे लगता है कि 4-6 बीजेपी के सांसद बोल चुके हैं, मंत्री बोल चुके हैं कि जो हमें वोट नहीं कर रहा उसको हमें तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। तो ये वो लोग हैं, इनको न तो संविधान की कोई परवाह है, न लोकतंत्र की चिंता है, न उन मर्यादाओं की कोई परवाह है।
ये जो इश्यूज हैं, इन इश्यूज पर इंडिया एयरलाइंस मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। अब ये जो मसला आया कांवड़ यात्रा वाला, पहले कांग्रेस पार्टी हो या अखिलेश यादव हो, संकोच करते थे, कई बार नापते तोलते थे कि इस समय हम बोलेंगे पॉलिटिकली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है जी। लेकिन जिस तरह से रिएक्शन दिया कांग्रेस पार्टी ने, वो ये दिखाता है कि अब कांग्रेस पार्टी इस तरह से डर करके राजनीति नहीं करेगी, डिफेंसिव होकर के राजनीति नहीं करेगी। अखिलेश यादव का भी वही मैसेज है कि नहीं, अब ऑफेंसिव ही हम खेलेंगे। जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है, अभी तो कास्ट सेंसस का इशू है, अब योगी जी जो कर रहे हैं कि साहब हम ढाबे पर और ठेले पर नाम लिखवा देंगे, अरे इससे तो अच्छा है कि आप जनगणना ही करा दीजिए ना, गिनती यहां कर लीजिए। इसकी डिमांड विपक्ष को करनी चाहिए कि आप गणना कराइए, ये जो नौटंकी करने से बेहतर है कि आप गणना कराइए जी। ये जो इशू है वो सिर्फ मुस्लिम विरोधी नहीं है, इसके पीछे वो मानसिकता भी है ना कि आप दलितों के साथ भी वही व्यवहार करें। अब इसमें कौन लोग शामिल हैं? मुस्लिम के साथ साथ पिछड़े हैं, बल्कि अति पिछड़े ज्यादा हैं, दलित ज्यादा है, उनका आप रोजगार छीनना चाहते हैं, उन्हें बहिष्कृत करना चाहते हैं, ये इशू भी सामने आने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो इंडिया एलायंस की रणनीति है वो बेहद मजबूत और आक्रामक है और आत्मविश्वास से भरी हुई। तो ऐसे में जब भी आमना सामना होगा, और आप नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, उनकी जो भाव भंगिमा है, वो भले ही पार्लियामेंट में खड़े होकर के राहुल गांधी का मजाक उड़ाए, वो उनके डीएनए में, वो शोले फिल्म का डायलॉग सुनाए, लेकिन अब लोग उनके उस डायलॉग वाले को नहीं सुनना चाहते, लोग राहुल गांधी को सुनना चाहते। ये एक फर्क आ चुका है और ये फर्क दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने बहुत कोशिश कर ली कि किसी तरीके से वो जो हार हुई थी सरकार बनाने के बाद, लोग उसे भूल जाए, वो समझे कि नहीं साहब हमारी सरकार है तो हम तो चुनाव जीते हैं। लेकिन एक ही मसले पर लोग सवाल पूछ लेते हैं कि आप पूरा हिंदुत्व का कार्ड चल दिए, मीट मुसलमान, मछली, मटन, मंगलसूत्र सब कर डाले और अयोध्या हार गए आप, यही उनके लिए सबसे बड़ा फंसाने वाला सवाल हो जाता है। इसलिए अभी तक आप देखिए कि चेहरे पर अब वो ग्लो नहीं आया है मोदी जी, वो आपको मुस्कान नहीं दिखाई देती, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई पड़ता। और दूसरी तरफ जिसको आप कह रहे हैं कि साहब वो विपक्ष में है, उनको तो अब 100 सीटें भी नहीं मिली है, और वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हुआ, और ये तब होता है जब लोग उसके साथ खड़े हुए। इसलिए इंडिया एलायंस अभी बेहद मजबूत चुनौती है नरेंद्र मोदी के लिए, और नरेंद्र मोदी के लिए खुद नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि 10 साल में जो जो आपने बोला, जो कहा, जो लोगों से कमिटमेंट किया, उसका एक भूत आपका पीछा कर रहा है, मोदी जी का पीछा कर रहा है, वो छोड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे में आप कैसे मुकाबला करेंगे इंडिया एलायंस का? क्या इसी तरह से कि आप वो फिर से लोगों को जुटाए, उनको तोड़े, ये करे, कोई अजीत पवार फिर बनाए, कोई शिंदे फिर लेकर के आए, ऐसे क्या करेंगे आप? लेकिन संभावना इसकी बेहद कम है, और यही वजह है कि जब मोदी जी कमजोर हुए हैं तो अंदर से आज वसुंधरा राजे सिंधिया स्कूटर पर निकली हुई हैं, और हम लोग जानते हैं कि राजनेता जब कुछ इस तरह का करता है तो उसका अपना कुछ मैसेज होता है। राजनीति में यूं ही कोई स्कूटर पर नहीं निकलता, उनके पास कोई गाड़ियों की कमी नहीं होगी, लेकिन ये खुला चैलेंज है कि अब हवा में बात होगी, मोदी जी आप नॉन बायोलॉजिकल ही सही, अब यही बात होगी। तो अब